अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम आए हुए हैं अपने कजन के साथ। पूछा किसी ने, ये भाई हैं मेरे छोटे, आए हैं गांव से, तो इन्हें हम जू दिखाने लाए हैं। अफान तो पहले भी आते रहते हैं, क्यों अफान? नहीं अफान के कपड़ों के ऊपर थोड़ा सा काम हो गया, इस वजह से ये देखें। अभी हम लाहौर जू के अंदर एंटर होने वाले हैं, उससे पहले हमें टिकट्स लेनी पड़ेंगी। अब यहाँ से हम अपनी टिकट्स लेंगे, दो बड़े और एक दो बच्चों की। फाइनली वी गॉट आवर टिकट्स और अब हम अंदर जा रहे हैं यहाँ से। टिकट्स क्लियर होने के बाद आधी टिकट फाड़ दी और आधी मेरे पास है और हम हैं अंदर। ये है बंदरों का पिंजरा। खैर वैसे मेरे साथ भी जा रहे हैं, मुझे देखने की जरूरत नहीं थी। जोक मारा बांदर इसे कहते हैं, बांदर झूला झूल रहे हैं। कुंग फू पांडा का मास्टर ओगवे, इसका फेमस डायलॉग है, माई टाइम हैज कम। भाईजान ये इधर लेटा हुआ है और एक और भी है, ये देख भाईजान। जिंदगी में बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए। ऊद बुलाओ के पिंजरे के अंदर देखो ये चिड़िया क्या कर रही है। ये जो दरियाई घोड़ा है ना, ये अपना सांस चेक कर रहा है पानी में कितनी देर रह सकता है। ए अब मेरे ख्याल से इसका सांस फूलने लगा, ऊपर आ रहा है। नहीं भाई बहुत ही बदतमीज़ है। जितने भी जानवर देखे ना, कोई सो रहा है, कोई पानी के अंदर पड़ा हुआ है। भाई मैंने 80 रुपए जाया कर दिए जू में आने के लिए, अब मैं किसे देखूं इन दोनों को। अभी जो मैंने आपको दरियाई घोड़ा दिखाया था ना, उसका दूसरा भाई यहाँ पे, ये देखें कितना जाइगेंटिक है ये। नो रिस्पॉन्स, अच्छा हमको सिखा रहा है। ये है लामा और इसका बेहतरीन जो काम है ना, जो ये काम करता है वो है लोगों पे थूक फेंकना, इसलिए ये देखे इतना गैप क्रिएट किया हुआ है। अब हम पहुंच गए हैं अफ्रीकी बब्बर शेर के पास, लेकिन बब्बर शेर जो है ना अफ्रीका कहना को पानी चाहिए। गर्मी बहुत लग रही है भाई, भाई गर्मी हमें इतनी लग रही है, जानवरों का क्या हाल बनेगा। ये देखे लोमड़ी कितनी कनिंग है, मीसनी सी बन के बैठी हुई है। दिस वन इज माय फेवरेट एनिमल। ये वाला काफी बड़ा है, बिस्किट खाता है, ये बिस्किट खाता है, लेज है, बर्गर बियर है। गाइस बाकी जानवर तो जला भाई ने आपको दिखा दिए, लेकिन हमारे साथ एक जिराफा भी आया है इधर। ये जो लंबे सींगों वाला है ना, इसे कहते हैं ब्लैक बक, जिसकी वजह से सल्लू भाई ने इसका हंट किया था और बुक हो गए थे, ये देखें। फाइनली वो टाइम आ गया जब मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों से मिलने के लिए वही टिकट भरने पड़ रहे हैं, ये देखें। ये देखें अफाक लेटा हुआ है, साथ ऊपर शहजी पहाड़ी पे चढ़ा हुआ है, मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे आरिफ भी है, अजीम भी है, अकदस भी है और किंग भी है, किंग भी है। ये अफान ने बताया किंग भी है, उनके साथ ब्रॉल स्टार खेलता रहा है ना, ये सारे मेरे दोस्तों के नाम हैं। ये कितना लंबा है ये बट साहब, देखें फुल मस्त हुए पड़े, सिर्फ पानी पीने के लिए मिलता है। सारे दोस्तों का दोस्त तला सलीम वो भी इधर लेटा हुआ। दानी साहब को गर्मी लग रही है, दानी साहब फुल गोलमोल होके लेटे हुए हैं। ये सबसे बड़ा स्नेक है जो अब तक मैंने देखा है। जिराफे चेक करो डायरेक्ट से, देखो सारे दरख्त यहाँ से गंजे किए हैं, गर्दन थोड़ी सी ऊपर की और 150-200 पत्ते खा लिए। यार मुझे ये लगता है ये वो वाला हिरन है जिसका ना सींग फंस गए थे उधर दरख्तों में और फिर शिकारी ने अपना निज़ाम सीधा कर दिया। ये वैसे बहुत प्यारी जगह है एक्वेरियम। ये देखें फुल भूकड़ मछली है, भूकड़ मछली। इतना घूमना फिरने के बाद अब हमें लग रही है प्यास और हम होना चाहते हैं हाइड्रेटेड। इसे प्यास नहीं लग रही, हम सबको लग रही है। बाकी यार ये हमारी 120 की एक प्लेट है, मतलब ये देखें कितनी सी क्वांटिटी है। खैर भूख लग रही है, कुछ ना कुछ तो खाएंगे ना। मोहम्मद आपकी फैंटेसी क्या है जब आप जू में आते हो? मेरी फैंटेसी है कि एक शेर हो पिंजरे में और उसके साथ एक हिरन को रखा हो, फिर शेर उसे खाए, उसके शिकार करके। कैसे करके? मतलब सामने सामने लेटा हुआ है तो शिकार क्या करना है, वो तो थाली में देने वाली बात है। बेचारे को हड्डी मिली हुई है छोटी सी, उसे कोई खाए जा रहा है। यार पहले मैं सोच रहा था ये सारे के सारे जितने भी जानवर हैं ना, ये इतने ना सुस्त होके क्यों पड़े हुए हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा थोड़ा
कि अगर आप दोपहर में किसी के घर भी जाओगे तो इसी तरह सुस्त पड़े होंगे कि आप लोग के सामने करतब करके दिखाएंगे। शाम को आना चाहिए लेकिन शाम के वक्त इनके लिए तो जेल है ना, तो मतलब इनका तो यही सीन होता होगा। ये जो सेक्शन है ये ताहा का फेवरेट सेक्शन है क्योंकि ताहा ने घर पे भी बर्ड्स रखे हुए हैं। मियां मिट्ठू 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 काफी घूमने फिरने के बाद ये इतना पसीना आ गया, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। देखो, अभी इसने देखने हैं, मोहम्मद ने देखने हैं, शेर देखने हैं। इसे शेरों का बहुत शौक है क्योंकि ये है PMLN से। और सारे शेर इधर है लेकिन बब्बर शेर अभी भी लंदन के अंदर है। नवाज शरीफ लव्स यू टू। ये कर लेता हूँ पहले, टांगे ऊपर करके सो जाता हूँ। हम जा रहे हैं हिल्स पे, आई डोंट नो इस पहाड़ी का क्या नाम है, इसका नाम है जू पहाड़ी। ये मैंने वैसे बहुत ठंडी मारी है यहाँ पे, वैसे ही ठंडक बहुत है। इतनी मेहनत करने के बाद, पहाड़ी पे चढ़ने के बाद हम फाइनली आ गए जिस जगह पे हमने आना था, और ये जगह है एक टाइगर की जो कि है चीता, टाइगर श्रॉफ। यहाँ पे दिख नहीं रहा वैसे, लेकिन अगर आपको दिख सके नीचे नीचे भाग गया वो रहा वो। आखिरकार हमें एक शेर तो नहीं चीता मिल गया। जैसा कि आपको पता होगा कि सूजी जो यहाँ पे हंसनी थी वो मर गई है फिलहाल, अब इससे गुजारा करें। पेप्सी स्ट्रॉन्ग हो गई है, वाकई ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हमें डकी भाई भी मिल गए हैं, ये पानी वाले कछुए और ये उनका अंडा बड़ा हुआ है। बिल्लियां यार, अब काफी ज्यादा फिरने के बाद अब हम थक चुके हैं और अब हम वापसी के रास्ते पर हैं। मैंने अभी भी शेर देखने इसे शेर देखने का बहुत शौक है, मैंने पहले भी बताया आपको, खैर काफी सारे शेर दिखाए इसे। अब ना इसे शेर बना के हम इसकी फोटो लेंगे, वो भी मैं दिखाता हूँ कैसे। गन चाहिए बुलबुले वाली। गाइस हमने बहुत इंजॉय किया और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अब इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में और किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग जगह पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।